हे गाइस, स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। भाई ब्लॉग बनाए हुए एक महीना से ऊपर हो गया, क्या करूँ भाई। जहाँ पर मैं गया था ना, वहाँ से आने का कोई चांस ही नहीं बन रहा था, और जहाँ पर मैं था वहाँ से इधर उधर मतलब घूमने जाने का भी वैसे कोई चांस नहीं था। तो वही आज मतलब रात को मैं लगभग 9 बजे घर पहुँचा, तो वही कुछ कुछ पेड़ लाया था उसको मैंने सुबह को लगाया है। वही मैं सोच रहा हूँ कि सबसे पहले एक महीना हो गया भाई, गांव ही घूम लेते हैं, आपको भी घुमाते हैं क्या क्या चेंज हुआ है गांव में। बाकी बात कोई नहीं, उधर जिधर मैं पेड़ लगाए हैं उधर चलेंगे और देखेंगे कि भाई धूप आज दे रहा था। अभी तो फिलहाल मौसम देख सकते हो, बादल बादल कर रहा है, तो ही पेड़ कहीं मर तो नहीं गया, तो ही चलेंगे शाम को थोड़ा। अभी तो क्या बताओ, अभी धूप दे रहा है तो चलते हैं और उधर ही मिलते हैं ना। आप ना भाई सबसे पहले डोली से मिलो, ये है डोली। जहाँ पर मैंने पेड़ वगैरह लगाया उस वाले जगह पे पहुँच गए, और यहाँ पर ये जो आपको खेत दिखाई दे रहे हैं भाई, ये मेरा ही है, साथ ही साथ पीछे भी खेत है, ये भी मेरा ही है। तो सबसे पहले मैं तुम लोगों को पेड़ दिखा देता हूँ ना भाई, कौन कौन सा पेड़ लगा है। हालांकि पेड़ तो मरा नहीं है, एकदम ताज़ा ही दिख रहा है। ये देखो, ये एक रहा, ये एक आम का पेड़ मैंने कल लाया था। हालांकि देखो ये ख़रीदा हुआ पेड़ नहीं है, वही क्या बोलते हैं खा के गमला में मैंने रख दिया था, तो वही हो गया है। इधर भी एक है, दिख नहीं रहा है, मतलब पहचान में नहीं आ रहा है, छोटा छोटा है। और एक यहाँ पर है भाई, बाल्टी भी लाया था मैं पानी देने के लिए, लेकिन वैसे पानी देने का ज़रूरत पड़ेगा नहीं। ये देखो, इसको तो मैंने थोड़ा सा घेर के रख दिया है। बाकी बात क्या क्या पेड़ मैंने लगाया है यहाँ पर, ये आप लोगों को दिखाता हूँ ना। ये देखो काजू का पेड़, हालांकि इसका क्या हो गया भाई, पत्ता वत्ता सूख गया क्या, लेकिन कोई नहीं, ये तो ताज़ा है। चलो और आगे चलते हैं। यहाँ पर एक कटहल का पेड़ था, लेकिन पता नहीं दिख नहीं रहा। और आगे चलते हैं तो यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर एक फूल का पेड़ भी मैंने लगाया है, ये रहा। और साथ ही साथ इस घेरे के अंदर अगर आपको दिखाऊं तो ये रहा कटहल का पेड़, काफ़ी बड़ा हो गया और 1 साल भी होने आ रहा है इसका, इसीलिए बड़ा हो गया। वाइड एंगल वाला कैमरा में दिखाता हूँ ना, ये देखो ये जो कटहल का पेड़ है 1 साल में लगभग मेरे से भी बड़ा हो गया है। और आगे मैं आप लोगों को अगर दिखाऊं तो यहाँ पर एक, अच्छा यहाँ पर देखो ये आंवला का पेड़ है, ये जो दिख रहा है। हालांकि भाई इतना ज़्यादा घास हो गया, नहीं 1 महीना नहीं था मैं यहाँ पर, तो काफ़ी ज़्यादा झूठ झाड़ हो गया है। और आगे चलते हैं तो यहाँ पर देखो एक आम का पेड़ भी है, हालांकि सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है आम का पेड़ ही लगा हुआ है, आम और कटहल। ये रहा एक आम, इधर और एक कटहल। ये पता है क्यों नहीं बढ़ा, इसको ना जब बड़ा हुआ था मतलब इससे थोड़ा सा छोटा था, और इसको बकरी खा दिया था, तो ये इन सब के बराबर का नहीं पहुंच पाया। देखो ये और वो तो काफ़ी बड़ा हो गया, लेकिन इसका हाइट नहीं बढ़ा है। इधर और चलते हैं तो इधर, अच्छा इधर इधर देखो, इधर नींबू का पेड़ लगा हुआ है, और ये भाई 2 साल से भी अधिक हो गया, ये बढ़ ही नहीं रहा, पता है क्यों नहीं बढ़ रहा है इसके कारण। ये देखो पत्ता सबको भाई खाते ही रहते हैं ये लोग, जिसके कारण पेड़ बढ़ ही नहीं पा रहा है। देखो पत्ता फट गया है ना यही लोग के कारण। और उधर भी है, लेकिन उधर भी जाने का ना अभी रास्ता है नहीं उधर, वरना उधर भी जा करके दिखाता। आम का पेड़ है, लीची का पेड़ है, कटहल का भी पेड़ है, तो वही इधर जाने का रास्ता पूरा पूरी ब्लॉक सा हो गया है। और इधर मैंने राहिड़ का पेड़ लगाया हुआ है, देखो काफ़ी ज़्यादा झूठ झाड़ हो गया अभी तो। मेरे हिसाब से भाई आप जितना पेड़ को पालन कर सकते हो ना उतना ही पेड़ लगाओ, ऐसा नहीं है कि आपने बहुत सारा पेड़ लगा लिया और उसको कोई देखभाल करने वाला है नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बढ़ेगा ही नहीं और बहुत कम चांस रहता है बढ़ने का। अगर बकरी बैल वगैरह उधर नहीं रहते हैं तो फिर भाई बढ़ जाता है बाई चांस, और
मेरे इधर तो भाई वो सबका काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, इधर लोग पशु चराते ही रहते हैं, तो इसीलिए मैंने ये सारा चीज़ करके रखा है। हालांकि अब कोई दिक्कत नहीं है, ये पेड़ इतना ज़्यादा बढ़ गए हैं ना कि ये इस बार जब ये धान ख़त्म होगा उससे पहले ये और भी बढ़ जाएंगे। हालांकि 1.5-2 महीना अभी टाइम है धान होने में, तो उतने देर में और मुझे लग रहा है 2 हाथ तक बढ़ ही जाएंगे। देखो इधर भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है, इधर भी, और मैंने इतना ही लगाया है क्योंकि मुझे पता था कि मैं इन पेड़ों को पाल करके बड़ा कर सकता था। हालांकि देखो इधर जो मैंने अभी लगाया इसको भी बाउंड्री घेर दूंगा कुछ दिन में क्या, अभी 1-2 महीना तो ऐसे ही रहेगा। धान वगैरह है ना तो कोई मतलब अपना पशु चराने वैसे आता नहीं है, तो इसीलिए ये सब 2 महीने ऐसे ही खुला रहेगा। उसका जैसे धान कटेगा वैसे ही मैं मतलब क्या बोलते हैं जाल वगैरह लगा दूंगा। भाई मैंने सोचा कि जब बाल्टी लेकर के आ ही गए हैं तो भाई पानी देने में कोई दिक्कत है नहीं, हालांकि पानी है तो क्या है ना भाई, हम यहाँ से पानी ले आते हैं। देखो यहाँ पर लोग नहाते भी हैं क्योंकि पानी देख सकते हो पूरा ही एकदम क्लीन है भाई, नीचे तक दिख रहा है। ये जो आपको गंदा दिखाई दे रहा है ना भाई, ये गंदा केवल ऊपर ऊपर में, बाकी बाद थोड़ा से ऐसे करोगे और पानी को हाथ में लोगे ना तो भाई पूरा ही साफ है। देखो तो कोई नहीं, एक बाल्टी पानी तुरंत भरते हैं यहाँ पर से, डूब जा, इतना का जरूरत नहीं है भाई, थोड़ा कम ही करते हैं, फालतू अधिक ले जाके भी कोई फायदा है नहीं, तो इतना ही ले जाते हैं और डालते हैं पानी। देखो वहाँ पर पेड़ों में ना भाई मैंने पानी दे करके कंप्लीट कर लिया है, अधिक पेड़ था नहीं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि केवल 6 ही पेड़ हैं, तो वो पानी दे करके कंप्लीट कर दिया। और अभी हम थोड़ा सा ना भाई विलेज ब्यूटी देखने के लिए निकले हैं, गांव की सुंदरता, तो देख रहे हो हमारे गांव में क्या है। ये देखो भाई, और हम 3 लोग आए हैं यहाँ पर, साथ ही साथ ड्रोन भी लाए हैं, तो मस्त सा ड्रोन का फुटेज भी आपको देखने को मिलेगा। हालांकि भाई थोड़ा सा सूरज अगर निकलता ना इधर मज़ा ही आ जाता, पिछले साल भी हम यहाँ पर आए थे तब तो सूरज अच्छा खासा निकला हुआ था, तो कोई नहीं ड्रोन उड़ाते हैं देखते हैं कैसा फुटेज निकल के आता है। हालांकि देखो यहाँ पर लोग ये सबको काट काट के ले जाते भी है घर झाड़ू वगैरह बनाने के लिए, देख सकते हो यहाँ पर काटा हुआ भी है, और फोटो तो भाई काफ़ी अच्छा आएगा यहाँ पर नो डाउट ड्रोन में, तो कोई नहीं ड्रोन उड़ाते हैं और दिखाते हैं आपको। और इधर क्या है, इधर नहीं हुआ है, ये जो आपको फूल टाइप का दिखाई दे रहा है ना भाई सफ़ेद सफ़ेद, इसका नाम है कांसी फूल, और इसका हाइट देख सकते हो लगभग मेरे हाइट जितना बराबर ही है, और क्या बताऊँ कि ये सब तो उतना हरा भरा नहीं है। हालांकि जो नदी में है ना भाई, हम लोगों के नदी में भी ये सब काफ़ी ज़्यादा हुआ है, तो वहाँ का जो ये सब देखो ये जो पार्ट है ना भाई ये काफ़ी ज़्यादा हरा हरा है, तो हो सके तो नदी वाला का भी फुटेज दे दूँगा, हालांकि वो सब भी काफ़ी बड़ा है हाइट में, तो कोई नहीं अभी तो देखो हम लोग जाते जाते ही रात हो जाएगा, और सुबह को ड्रोन उड़ाने उधर बनता नहीं है क्योंकि लोग नदी में नहाने जाते हैं, तो वही कल शाम को ही उसका फुटेज मिल पाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया कि ड्रोन फुटेज लेना है, तो उसको फटाफट से लेते हैं और निकलते हैं घर की ओर, क्योंकि यहाँ से हम लोग घर 2 किलोमीटर दूर है और रास्ता नहीं है ना भाई, मेन बात रास्ता नहीं है घर जाने के लिए, तो ही खेत खेत में आना पड़ा है हम लोगों को। ये जो चीज़ है ना भाई वो नीचे से ही अच्छा दिख रहा है, मतलब ऊपर से उतना खास दिख नहीं रहा है, देख सकते हो। तो हम लोग देवराज इंद्र का स्वर्ग में आ चुके हैं, इधर एकदम स्वर्ग का फूल सब यहीं पर लगा हुआ है, और ड्रोन उड़ चुका है, गया है स्कूल टाइम ड्रोन देख सकते हो आ रहा है ड्रोन।
ये अभी हम लोग का गांव का स्कूल के पास में है। आप लोग को समझ में तो नहीं आएगा, हम लोग अभी जन्नत में है, तो को पता नहीं है। अभी एक और ड्रोन फुटेज भी आएगा, लेकिन उससे पहले फोन का देखो, उससे बढ़िया तो फोन में दिख रहा है। सूर्य देव एकदम चमक रहा है, तेरा में भी मीम लगा देंगे एगो। अभी मैं ड्रोन को लेकर के गया था भाई गांव की ओर, वहां के बच्चों का रिएक्शन लेने के लिए। तो सब कोई को पता चल गया है कि भाई ड्रोन किसके पास है, किसी का इतना अजीब रिएक्शन आता नहीं है। तो फिलहाल अभी देख सकते हो कुछ ऐसा, अरे रिकॉर्ड करना भूल गया है। तो कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है, ये फुटेज आपको लगा दूंगा मैं। तो वही बैटरी खत्म हो गया है, तो इसको अभी रिटर्न ला रहे हैं, 24% बैटरी बच गया है, लाते हैं रिटर्न, बैटरी चेंज करते हैं, फिर दोबारा उड़ाते हैं। ऐसे देख सकते हो ड्रोन जो है आ चुका है अपने लोकेशन पे, और इसका जो है बैटरी लाना है। इसका बैटरी बच गया है 13%। झोला कहाँ रखा है इसका, थैला? झोला वहाँ है गाइस, लाने जाना पड़ेगा एकदम। फटाफट जाके झोला लाते हैं। अरे इसका झोला यहाँ था गाइस, अब इसको लेके जा रहे हैं और दूसरा बैटरी लगाएंगे और फिर उड़ाएंगे ड्रोन। अभी क्या है ना, ड्रोन का बैटरी ख़त्म हो गया था, तो यहाँ काफ़ी दूर था, गांव में था ड्रोन, और जैसे कि मैंने बताया था कि वही 2-2.5 किलोमीटर है गांव। तो आते आते भाई बैटरी इसका 10% हो गया था, तो मुझे लग रहा था कहीं गिर ना जाए। तो वही अभी देखो, ये जो बैटरी है ना भाई, ये थोड़ा कम पावर का है, और ये जो बैटरी अधिक पावर का है। एक बार मैं मतलब सोच रहा हूँ कि ड्रोन का रिव्यू वीडियो भी बना दो, क्योंकि यूज़ करते हुए मुझे 1 साल हो ही गया है, तो आपको एक जल्द ही इसका रिव्यू वीडियो देखने को मिलेगा। और वहाँ पर अपना रील बनाने के लिए गया है उपेंद्र सिंह, उसका रील बनेगा अभी। भाई कौन से मोड पे बन रहा है ये रील? वर्टिकल मोड पे, इसमें वर्टिकल मोड का भी एक फीचर है रील बनाने का। इसलिए मैं सोच रहा हूँ एक रिव्यू वीडियो बना दूँ इस ड्रोन के ऊपर, कि 1 साल यूज करते हुए मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा। तो वो रील बनाते बनाते कहाँ चल गया, एकदम झाड़ी के अंदर, और वो रहा ड्रोन जो उसका फुटेज ले रहा है। यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा है अभी जो है ना भाई, हम ड्रोन का सब्जेक्ट ट्रैकिंग मोड जो इसमें एक फीचर है उसको हमने एक्टिवेट किया है। तो फिर देख सकते हो कुछ इस प्रकार से ये ऑब्जेक्ट को ट्रैकिंग करता है। रुको मैं रिकॉर्ड करता हूँ ना, रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ। ये भी मैंने इसका रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया है। तो देखो अभी अपने आप घूम रहा है ना, इस ये जो घूम रहा है उसका स्पीड भी मैं यहाँ से बढ़ा सकता हूँ इसको, जैसे कि मैंने बढ़ा दिया। अब भैया थोड़ा तेज़ घूमेगा, देख रहे हो, और ये काफ़ी बढ़िया ट्रैकिंग करता है, ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट को छोड़ता है। हाँ अगर पेड़ उड़ आ जाता है तो फिर भाई छोड़ भी देता है, ऐसे कि मैंने उसमें ट्राई किया नहीं, मैं हमेशा खाली एरिया पे ही ट्राई करता हूँ। तो देखो कुछ इस प्रकार से ये ऑब्जेक्ट को ट्रैक करता है, और जैसे जैसे भाई मैं आगे बढ़ता जाऊँगा ना, वैसे वैसे ये भी आगे की ओर बढ़ता ही जाएगा। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ एक जगह पर खड़ा रहने पर करता है, आप चलते रहोगे फिर भी ये ट्रैकिंग करता है। तो मैं सोच रहा हूँ ना भाई, ड्रोन यूज़ करते हुए तो मुझे लगभग 1 साल हो ही गया, तो क्यों ना एक इस ड्रोन के ऊपर एक रिव्यू वीडियो बना दूँ। वो हालांकि अभी टाइम नहीं है मेरे पास, मतलब जब मैं खाली होऊंगा ना तो भाई एक ज़रूर उसका रिव्यू वीडियो बना दूंगा। तो अभी देख सकते हो काफ़ी अच्छा से ट्रैकिंग कर रहा है ड्रोन, ये देखो। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारे गांव का नदी है उसमें इससे भी बड़ा बड़ा है, और इससे भी हरा भरा है, और जो फूल है ना भाई वो भी इससे अच्छा अच्छा है। ये तो थोड़ा सा क्या बोलूँ, बीच बीच में काला काला सब जो दिख रहे हैं वो अधिक हो गया, लेकिन उसमें इतना है नहीं। तो ही मैं बता रहा था कि वहाँ पर लोग नहाते हैं सुबह, तो कल शाम को वहाँ पर भी चलेंगे, और वहाँ का भी ड्रोन फुटेज मैं डाल दूँगा इस वाले ब्लॉग में। तो कोई नहीं, लोग आई थिंक 5-6 मिनट से अधिक ही हुआ होगा, तो इस वाले ब्लॉग के यहीं पर एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर वही अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग पे।
पता है भाई मैं हाफ पेंट यहाँ पर पहन के क्यों आया हूँ, इसके लिए देख रहे हो पेंट में बहुत ज़्यादा ये सब लग गया था। हम पिछले साल भी यहाँ पर आए थे तो उसमें तेरा पेंट का क्या हाल हुआ था? पेंट में सूता निकल गया था मेरा। इसका पेंट ही पूरा ख़राब हो गया था, जिसके कारण इस बार हम आए हैं हाफ हाफ जर्सी पहन करके।